हेलो दोस्तों, मेरी कहानी आप सभी को बहुत पसंद आती है तो आप सभी वीडियो तो देख रहे हैं। जिन्हें अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत कर ले, और बाजू में ही एक घंटी बनी हुई है उसे दबाकर मजे का दुगना लाभ ले। चलिए मैं अब कहानी पे आती हूँ। नमस्कार दोस्तों, माफ करना मैं एहसार के स्टोरी लवर के माध्यम से आप सभी के सामने बहुत दिनों बाद आ सकती। जो कहानी मैं लिख रही हूँ वो मेरी सहेली सोनी की है, उसने मुझे अपनी इस कहानी का जिक्र किया है एहसार के स्टोरी लवर के माध्यम आप सभी तक पहुँचाने के लिए कहा। आइए जी के शब्दों में की कहानी को पढ़ें और गर्म हो जाएं। मेरा नाम सोनी राज है, मैं भोपाल की रहने वाली, मेरी उम्र 40 प्लस हो गई है। मैं तलाकशुदा महिला हूँ। कविता मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। उसके पति की मृत्यु के बाद हम दोनों मिले। कविता ने पति के जाने के बाद अपना जीवन व्यवस्थित कर लिया था और फिलहाल वो अपने बेटे वंश के साथ बहुत ही, हालांकि उसे इतना प्रसन्न चित्त देख कर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उन दिनों इस मस्ती से रहना मैं समझ नहीं पा रही थी। जब मुझसे नहीं रहा गया तो आखिर मैंने कविता से पूछ ही लिया कि जीजू के जाने के बाद भी तुम दोनों इतना खुश कैसे हो, क्या तुम्हें जीजा जी के जाने का कोई गम नहीं है। उसने बोली कि पति को मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, फिर वंश है ना मेरे साथ। मैं बोली वंश वो तो ठीक है, मगर जीजू की वो कमी तो दूर नहीं कर सकता ना। उसने बोली नहीं, वो मेरी हर कमी दूर करता है। कि मुंह से इतनी बिंदास बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गई। मैंने उससे सीधे सीधे पूछने का तय किया और पूछा वो सबके लिए क्या होगा। कविता बोली अब तुझसे क्या छुपाना, वंश ही मेरा सब कुछ है। मैं एकदम आवक होकर उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उससे इस बात को विस्तार से जानना चाहा तो उसने सारी बात मुझे बता दी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी पति के अलग होने के बाद अंदर की आग परेशान करती थी। मेरा भी बेटा है तो मैंने सोचा मैं भी कविता के जैसे कर सकती, पर ये सब कैसे होगा। इसी उधेड़बुन में मैं सोचती रही। कविता ने मुझे भी कुछ तरीके बताए थे, मगर ये सब ना आसान होता शायद मैं इतना ना सोचती। फिर मैं वापस पाल आ गई। मेरा तलाक हुए 10 साल हो गए। जब मेरा तलाक हुआ था तब मेरा बेटा आदि 10 साल का था, जो अब 20 साल का गबरू जबान हो चुका है। हालांकि मैंने पति से अलग होने के बाद अब तक कई बार कॉल बॉय बुलाकर बहुत दर्द उठाए हैं और मैं नए नए जवान एंजॉय करती रहती हूँ, पर कविता की बात सुनकर मैं एकदम से बहुत चटकी थी कि खुद अपने बेटे के साथ कैसे। हालांकि कविता ने खुद के बेटे के साथ रहने के पीछे कई कारण भी बताए थे जो कि कहीं ना कहीं सही थे। जैसे सबसे पहले तो गोपनीयता बनी रहेगी, पैसे भी बचेंगे और जब मन हुआ तब एंजॉय भी कर सकते। मगर अपने बेटे के लिए खुली ताव हो जाने के लिए कैसे उसे तैयार करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार करती रही, कभी मुझे लगता था, फिर कविता के उसके बेटे के बारे में सोचकर मुझे भी अपने बेटे के प्यार की चाहत होने लगी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा आदि अब जवान हो गया है और आज नहीं तो कल अपने लिए तो ढूंढेगा ही। नए और जवानों की चाहत में मेरी खोपड़ी बड़ी तेजी से इस पर काम करने लगी थी कि आदि को कैसे पटाया जाए। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं एक नया फोन और सिम लाई, उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड किया और आदि को हाय लिख भेजा। कुछ पल बाद का रिप्लाई भी आ गया, हेलो आप कौन। मैं बोली मैं कविता आंटी। उसने बोला हेलो आंटी कैसी हैं आप। मैंने उससे ठीक है लिखते हुए उसका हाल चाल पूछा और उसे बाय बोल दिया। अब मैं रोज उससे बातें करने लगी और थोड़ी बहुत बात करके उसे बाय बोल दी। एक दिन मैंने उसको हाय बोलकर चैट बंद कर दी और उसे अपने रूम में बुला लिया। इस वजह से वो कविता आंटी को रिप्लाई नहीं दे सका, मतलब मुझे अपने जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कुछ देर इधर उधर की बातें करके उससे जाने को बोल दिया। कुछ ही देर बाद उसका रिप्लाई आया, हेलो। मैं बोली कहाँ बिजी हो गया था, एक गर्लफ्रेंड का लगा था क्या। बोला नहीं आंटी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं बोली चल झूठा। वो बोला सर ना आंटी मॉम की कसम। मैं बोली वो तेरी मॉम है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जो तू उसकी ऐसी कसम खा रहा है। वो बोला सॉरी। मैं बोली कोई बात नहीं, मेरे बेटे को पता ही नहीं था कि वो अपनी मॉम से ही बात कर रहा है। फिर मैंने उससे कविता आंटी बनकर पूछा कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तुझे। पहले तो वो शर्माया, कहने लगा अरे आंटी आप भी कैसी बात कर रही हैं। मैंने उससे कहा क्यों अब तुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं होती क्या, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड तो मेरे घर तक आती है। इतना सुनकर वो मुझसे थोड़ा खुला। उसने कहा आंटी फिलहाल तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां जरूर मुझे पसंद करती हैं।
मगर मैं ही उन्हें लिफ्ट नहीं देता। मैंने पूछा, क्यों? उनमें से कोई तुझे पसंद नहीं आई या तेरी ख्वाहिश कोई और लड़की को लेकर है? वो बोला, नहीं आंटी, मुझे उन लड़कियों में से एक भी पसंद नहीं है। मैंने उससे पूछा, तो वही तो पूछ रही हूँ, तुझे कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? वो बोला, मॉम की जैसी। मैं बोली, बेवकूफ है क्या, मॉम की जैसी क्यों चाहिए? वो बोला, मेरा मतलब नेचर से, देखने से उसकी तरह केयरिंग हो। मैं बोली, अच्छा ये मतलब था? वो बोला, हाँ। फिर मैं बोली, मैं एक बात कहूँ, तो कुछ बुरा तो नहीं मानेगा ना? वो बोला, नहीं आंटी, आप बोलिए ना। मैं बोली, तूने बोला कि गर्लफ्रेंड देखने में भी मॉम टाइप की हो, मैं ये बात समझी नहीं। वो बोला, अरे आंटी, आप मेरी मॉम से मिली ही हो ना, वो बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं उनके जैसी कहा। मैं बोली, मतलब तुझे गर्लफ्रेंड में मॉम चाहिए या मॉम में गर्लफ्रेंड, है ना? वो बोली, नहीं आंटी, आप समझी नहीं। मैं बोली, मैं सब समझ गई, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, तेरी मॉम से भी। तू सच बता, क्या तुझे मॉम बहुत पसंद है? वो बोला, हाँ आंटी, पर वो मेरी मॉम है। मैं बोली, वो छोड़, तुझे अपनी मॉम को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है क्या? वो हिचकिचाता हुआ बोला, अगर हो सके तो जरूर। मेरा दिल खुश हो गया कि ये भी तैयार है। मैं बोली, तेरी मॉम को मैं तेरे से पटवाऊंगी, देखा तू? वो बोला, प्लीज आंटी, ये सब किसी और को मत बताना। मैं बोली, ठीक है, तो डर मत। आदि बोला, ठीक है आंटी। मैं बोली, मैं यहाँ से तेरी मॉम को तेरे लिए पटाती हूँ, वहाँ तू भी थोड़ा उनको इम्प्रेस कर और तुझे जैसा मैं बोलूँ वैसा किया कर। वो बोला, हाँ आंटी, है। मैंने बोला, जब मॉम परेशान लगा करे तो उसे गले लगा कर संभाला कर, जब खुश दिखे तब भी उसे गले से लगा लिया कर। वो बोला, ठीक है आंटी। फिर मैं आंटी की बात को ध्यान में रखकर उसे अपने लगी। आदि भी अब जब चाहे प्यार जताने लगा था, जब भी मुझे वो मनाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी मैं लेटी हुई होती हूँ तो वो भी लेट जाता और भर कर मुझे लाड़ जताता रहता। ये सब मैं ही उसे चैट में कविता आंटी बनकर खा रही थी, कैसे क्या करना सब कुछ बताती रहती। मैं खुद उसे बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती रहती थी। अब मैं उसके सामने अच्छे कपड़े पहनकर भी रिझाने लगी थी। वैसे भी मैं जीन्स टॉप पहनकर तो रहती ही थी। मैंने उससे पूछा, क्या वाकई ड्रेस में मैं अच्छी लग रही हूँ? वो बोला, मॉम एकदम मल्लिका शेरावत लग रही हूँ आप। यदि आप मेरी गर्लफ्रेंड होती तो? मैंने पूछा, तो पूरी बात बोलना। वो बोला, कच्चा खा जाता। मैं हंस पड़ी और बोली, क्या सोचा है? फिर खाचा कच्चा, वो भी सोच में पड़ा हुआ था। फिर 2 दिन बाद उसका बर्थडे था, मैंने पूछ लिया था, आज ये आदि मेरा ही है। मैंने तैयारी की, मैंने अच्छी सी ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। जब रात के 12 बजे तो मैं उसके रूम में गई और उसे बर्थडे विश करने हुए अपने रूम में ले आई। वो मेरे रूम की सजावट देखकर शॉक्ड हो गया। वो बोला, मॉम ये सब मेरे लिए किया आपने? मैं बोली, हाँ, मैंने रूम सजाया था, केक लाई थी और वाइन और विस्की की बोतल भी रखी थी। मैं उसे प्यार से बोली, मेरा बेटा जवान हो गया है इसलिए अब से सब चलेगा, चल आकर केक काट। वो केक के पास गया, मैं भी साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसने केक काटा और मुझे खिलाया। मैंने केक को अपने होठों में और उसको भी केक खिलाया। उसने और मैंने उसी केक के टुकड़े को आधा आधा खाया। मैंने उसके बाद उसे सोफे पर बैठाया और वाइन की बोतल खोलकर पैक बनाकर तैयार किया। मैं पैक लेकर अपने उसके पास गई। मैं बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू माय सन। वो बोला, थैंक्स मॉम, यू आर सो स्वीट। मैं बोली, कैसा लगा? वो बोला, बहुत अच्छा। मैं बोली, किस किस ने विश किया? वो बोला, इट्स ओनली यू मॉम। मैं बोली, क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड ने नहीं किया? वो बोला, आपको पता है ना मॉम कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं बोली, चल बता, तुझे गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए? वो मेरी आंखों में झांकता हुआ बोला, सच बताऊं? मैं बोली, हाँ बिंदास बोल। वो बोला, कि जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं बोली, मेरे जैसी या मैं ही बन जाऊं? पहले तो वो शांत हो गया और बस मुझे देखने लगा। मैं बोली, बेटा एक राज की बात बताऊं? वो मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा। हाँ बताओ ना मॉम। मैं, जिससे तू चैट करता है ना, वो कोई कविता आंटी नहीं है। वो एकदम चौंकते हुए बोला, मतलब? मैंने कहा, वो मैं ही हूँ। वो खुश हो गया और गले से लगा लिया। फिर हम दोनों ने एक ही पैग से वाइन का मजा लिया। मैंने दूसरा लार्ज पैग विस्की का बनाया और साथ में आकर पिया। मैं बोली, आई लव यू माई स्वीट आदि। वो भी बोला, आई लव यू माई डार्लिंग। पहली बार था तो टाइम ज्यादा लगा, उससे भी मजा आया, मुझे भी। हम दोनों ने फिर से शराब पी और शराब पीकर तो कोई भी जानवर बन जाता है। इस वक्त तो दोनों ही जानवर बन गए थे। फ्री तो सारे आदि ने एक कर दिए। क्या बताऊं दोस्तों, ऐसा मजा तो शायद मेरी जिंदगी में पहले भी नहीं था जो अभी मिला है।
फिर हम दोनों थक गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से दराज से सिगरेट की डिब्बी निकाली और आदि ने एक सिगरेट चलाने के लिए कहा। आदि ने एक सिगरेट चलाई और लंबा कश लेकर मेरे मुंह से लगा दी। आज मैं बड़ा आराम महसूस कर रही थी। इसके बाद की रातें कभी सुनी नहीं रही। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, आपकी प्यारी कविता? सभी से भाइयों बेटियों को मेरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है दोस्तों जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करना है। पहला काम मुझे कमेंट करना जरूर और मुझे बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वही साइड में घंटी है उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसे की कमी है, मुझे पेटीएम करें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे रखे रिचार्ज करवा दो। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी और कहानी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है srkstorylover.com, ये है मेरी वेबसाइट। आखिर मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ और आप सभी को बहुत मजे आते हैं, इतना सिंपल काम तो आप सभी कर ही सकते हैं। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूंगी अब मेरी अगली स्टोरी में। बाय।